नमस्कार, वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। प्रदेश की आज बड़ी दो खबरों में सुर्खियों में कोरोना की चौथी लहर की आशंका और मंत्री नवाब मलिक से जुड़ा विवाद है। महाराष्ट्र के कोविड टास्क फोर्स के सदस्यों ने गर्मियों में कोरोना वायरस के ज्यादा पनपने का संकेत दिया है, तो महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को विशेष पीएमएलए कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उधर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर सोमवार को भी महाराष्ट्र बीजेपी ने विधान भवन की सीढ़ियों पर जोरदार हंगामा किया। एक अहम खबर भूख से संबंधित है। एक संस्था ने महानगर पालिका के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ 25,000 जरूरतमंदों को रोजाना मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। वहीं प्रदेश में सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच के रिश्तों की खटास खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। महाराष्ट्र के कोविड टास्क फोर्स के सदस्यों ने गर्मियों में कोरोना वायरस के ज्यादा पनपने का संकेत दिया है। कोविड टास्क फोर्स के सदस्यों का मानना है कि गर्मियों में आर्द्रता बढ़ने पर वायरस तेजी से पनप सकता है। इससे बचने का एकमात्र उपाय मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन ही है। टास्क फोर्स के डॉक्टर शशांक जोशी और डॉक्टर राहुल पंडित के मुताबिक पश्चिमी देशों में कोरोना ठंड के मौसम में अधिक पनपता है, जबकि भारत में गर्मी और वसंत के मौसम में। शुरुआत की 2 लहरों में यही ट्रेंड देखा गया है। चूंकि गर्मियों में आर्द्रता अधिक रहती है और ये देखा गया है कि आर्द्रता बढ़ने पर वायरस पनपता है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भी गर्मियों के मौसम में ही कोरोना पीक पर रहा। हालांकि तीसरी लहर ने सर्दियों के मौसम में दस्तक दी थी, लेकिन मुंबई में सर्द मौसम बहुत ही कम रहता है। 2 लहरों के ट्रेंड को देखते हुए इस गर्मी में लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए। अक्सर ये देखा गया है कि कोरोना का प्रकोप कम होने के बाद लोग लापरवाह हो जाते हैं, मास्क आदि का पालन नहीं करते हैं। मगर 2 लहरों के ट्रेंड को देखते हुए मास्क आदि कोविड प्रोटोकॉल का पालन बेहद जरूरी है। इसी से हम हर नई लहरों को टाल सकते हैं। उन्होंने कानपुर IIT की चौथी लहर की भविष्यवाणी को सिर्फ अनुमान बताया है। कहा कि इस पर कोई ठोस अध्ययन नहीं है। फिलहाल नए वेरिएंट को लेकर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को विशेष पीएमएलए कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्हें 23 फरवरी को दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा गया था। हिरासत खत्म होने पर ईडी ने दोबारा कस्टडी की मांग की थी। इसके बाद उन्हें फिर से 7 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा गया था। नवाब मलिक पर हसीना पारकर की एक जमीन को खरीदने का आरोप है। आरोप ये भी है कि उन्होंने 300 करोड़ की जमीन को महज 55 लाख रुपए में खरीदा। इस पूरे ट्रांजैक्शन में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप मलिक पर लगा है। साथ ही अंडरवर्ल्ड और 1993 में बम धमाकों के आरोपियों से संबंध रखने और प्रॉपर्टी खरीदने का भी आरोप है। ईडी ने मलिक पर टेरर फंडिंग का आरोप लगाया था। ईडी की कस्टडी के दौरान तबियत बिगड़ने के बाद नवाब मलिक को मुंबई के जेजे अस्पताल में 25 फरवरी की शाम भर्ती करवाया गया था। उनकी बहन सईदा खान के मुताबिक नवाब मलिक को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी और लीवर संबंधित शिकायतें थी। पिछले साल उनकी स्टोन की सर्जरी भी हुई थी। सईदा के मुताबिक पेशाब से ज्यादा खून जाने की वजह से उन्हें जाँच के लिए अस्पताल में ले जाया गया था। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर सोमवार को भी महाराष्ट्र बीजेपी ने विधान भवन की सीढ़ियों पर जोरदार हंगामा किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने दाऊद के दलालों को जूते मारो सालों को वाले नारे भी लगाए। बीजेपी लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार पर नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर दबाव बना रही है। हालांकि ठाकरे सरकार में शामिल मंत्रियों ने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मलिक का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। महाराष्ट्र विधान भवन की सीढ़ियों पर मौजूद बीजेपी के तमाम नेताओं ने नवाब मलिक के बहाने महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार को घेरने का प्रयास किया। उनके हाथों में जो तख्तियां थी उन पर लिखा था कि दाऊद गैंग के लोगों से संबंध रखने वालों को संरक्षण देने वाली महाविकास आघाड़ी सरकार का हम विरोध करते हैं। बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले, योगेश सागर, मनीषा चौधरी, पराग अलवनी, राजहंस सिंह, भारती लवेकर समेत कई विधायक सदन की सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उधर एनसीपी प्रमुख ने कहा कि मलिक की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। उनका नाम दाऊद इब्राहिम से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। मलिक और उनके परिवार के सदस्यों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, लेकिन हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं आता कि नारायण राणे को हाल ही में गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा देना पड़ा हो। राणे के लिए अलग मानदंड और मलिक के लिए अलग मानदंड दिखाता है कि ये राजनीति से प्रेरित है।
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए दो जन की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो जाता है। इस विषम परिस्थिति को देखते हुए अक्षय चैतन्य संस्था ने सराहनीय पहल की है। इस संस्था की ओर से अब महानगर पालिका के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ 25,000 जरूरतमंदों को रोजाना मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए भायखला इलाके में महासामुदायिक रसोई घर की स्थापना की गई है। इस रसोई के जरिए संस्था की कोशिश है कि इसके केंद्र से 10 मील के दायरे में कोई भूखा न रहे। अक्षय चैतन्य के अध्यक्ष अमिता संदासा ने कहा कि सामुदायिक रसोई घर के जरिए अस्पतालों में भर्ती मरीजों, उनके परिजनों, प्रवासी मजदूरों, गरीबों, झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को, खासकर बच्चों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मुंबई की महापौर किशोरी पेडणेकर ने भी संस्था की पहल की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भूख मरनी चाहिए, भूखा आदमी नहीं। गरीबों को खाना उपलब्ध कराने की संस्था की पहल काबिले तारीफ है। हम भी अपनी ओर से संस्था को इस काम के लिए पूरा सहयोग देंगे। बता दें कि अक्षय चैतन्य संस्था हैदराबाद में 50,000 लोगों को रोजाना मुफ्त भोजन उपलब्ध करा रही है। स्वस्थ आहार नामक योजना के तहत 400 सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को भी रोजाना पोषक आहार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रदेश में सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच के रिश्तों की खटास खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। रविवार को पुणे में भी इसकी अगली कड़ी जुड़ गई है। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कहा कि मुझे प्रधानमंत्री के संज्ञान में एक बात लानी है। राज्यपाल का नाम लिए बगैर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ उच्च पद पर बैठे लोग अनावश्यक बयान दे रहे हैं जिसको महाराष्ट्र और यहाँ के लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उपमुख्यमंत्री ने जब ये बात कही तो राज्यपाल मंच पर मौजूद थे। उनके चेहरे से साफ समझ में आ रहा था कि मामला थमने वाला नहीं है। बात जारी रखते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी मां राजमाता जिजाऊ ने स्वराज्य की स्थापना की थी, जबकि महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने देश में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। राज्य सरकार महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बीते सप्ताह राज्यपाल ने औरंगाबाद में समर्थ रामदास को शिवाजी महाराज का गुरु बताया था। राज्यपाल ने कहा था कि समर्थ के बिना शिवाजी महाराज को कौन पूछेगा। पुणे के कार्यक्रम में भी राज्यपाल ने महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के संबंध में टिप्पणी की थी। राज्यपाल के बयान को लेकर बजट सत्र के पहले दिन बीते गुरुवार को महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने हंगामा किया था। इससे नाराज राज्यपाल अपना अभिभाषण अधूरा छोड़कर चले गए थे। बयानों के तीर एक एक कर तर्कश से निकल रहे हैं। हर मुंह का अपना अलग अंदाज है तो राजनीति भी खामोश नहीं रहने वाली। अगली कड़ी फिर जुटने ही वाली है। देश की आज प्रमुख 5 खबरों में महंगाई खास है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी सुर्खियों में है, लेकिन सबसे पहले बात महंगाई की। तो हम आपको बता दें कि खाद्य तेल, मसाले, चाय, कॉफी, चीनी, मिठाई और इंसुलिन जैसी जीवन रक्षक दवाओं समेत तमाम चीजें महंगी हो सकती है और ऐसा GST स्लैब में वृद्धि के कारण होगा। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में लगी आग का असर अब पेट्रोल डीजल के दाम पर पड़ना लगभग तय नजर आने लगा है। वही LPG सिलेंडर की कीमतों में भी उछाल के संकेत है। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग और इससे उपजे तनाव की वजह से सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है। सुबह के कारोबार में निवेशकों की 5,91,00,000 रुपए से अधिक की संपत्ति स्वाह हो गई। उधर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में राज्य के 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान जारी है। देश की इन 5 प्रमुख खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। एक बार फिर से महंगाई बढ़ने के संकेत मिले हैं। खाद्य तेल, मसाले, चाय, कॉफी, चीनी, मिठाई और इंसुलिन जैसी जीवन रक्षक दवाओं समेत तमाम चीजें महंगी हो सकती है। दरअसल GST काउंसिल में होने वाली 47वीं बैठक में गुड्स एंड सर्विस टैक्स की न्यूनतम दर को 5% से बढ़ाकर 8% करने पर विचार कर सकती है। राजस्व बढ़ाने और क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र पर राज्यों की निर्भरता खत्म करने के लिए GST व्यवस्था में छूट वाले उत्पादों की सूची में भी काट छाट संभव है। सूत्रों के अनुसार राज्यों के वित्त मंत्रियों का एक समूह काउंसिल को इस माह के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। इसमें सबसे निचले टैक्स स्लैब को बढ़ाने और स्लैब को तर्कसंगत बनाने जैसे कई कदमों के सुझाव दिए जा सकते हैं। फरवरी महीने में GST कलेक्शन 1,33,026 करोड़ रुपए रहा। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों में जानकारी मिली कि पिछले साल के मुकाबले इस बार 18% की बढ़त आई है। वर्तमान में GST के टैक्स स्लैब में 4 दरें 5%, 12%, 18% और 28% है। आवश्यक वस्तुओं को इस टैक्स से छूट है या सबसे निचले स्लैब में रखा है। लग्जरी चीजों पर सबसे ऊंची टैक्स स्लैब में रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक GOM टैक्स की न्यूनतम दर को 5% से बढ़ाकर 8% करने का प्रस्ताव रख सकता है।
इससे खाद्य तेल मसाले चाय कॉफी चीनी मिठाई काजू इंसुलिन जैसी जीवन रक्षक ड्रग्स व मेडिसिन आदि महंगे हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों पर लगी आग का असर अब पेट्रोल डीजल के दाम पर पड़ना लगभग तय नजर आने लगा है। क्रूड ऑयल की कीमत $128 प्रति बैरल जा पहुंची है और बढ़ती हुई कीमत की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 24 घंटे में ही क्रूड ऑयल की कीमत में $10 प्रति बैरल का इजाफा हो गया है। शनिवार को क्रूड ऑयल की कीमत $118 प्रति बैरल थी, जिसमें सोमवार को 0.9% के लगभग इजाफा हुआ। तेल कीमतों पर नजर दौड़ाई जाए तो अब तक क्रूड ऑयल की सबसे ज्यादा कीमत $142 प्रति बैरल यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान रह चुकी है, लेकिन तब डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए की कीमत लगभग 45 रुपए थी, जो अब लगभग 75 रुपए है। देश में आखिरी बार बीते 8 नवंबर 2021 को पेट्रोल डीजल के भाव रिवाइज किए गए थे। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने के बावजूद भी पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया था। नवंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक क्रूड ऑयल की कीमत में प्रति बैरल लगभग $42 का इजाफा हो गया है। नवंबर 2021 में क्रूड ऑयल की कीमत $86 प्रति बैरल थी, जो अब $128 प्रति बैरल हो गई है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि 4 महीने में ही क्रूड ऑयल की कीमतों में लगभग 50% का इजाफा हो गया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे तो 10 मार्च को घोषित होने जा रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की तेजी से बढ़ती कीमतों को देखकर तो लग रहा है कि शायद विधानसभा के आखिरी चरण के चुनाव संपन्न होते ही तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध का असर अब सड़क से किचन तक नजर आने वाला है। अभी तक उत्तर प्रदेश पंजाब समेत 5 राज्यों में हो रहे चुनाव के चलते एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कीमतों में पिछले कई महीनों से राहत मिल रही थी। आज चुनाव का आखिरी चरण समाप्त हो जाएगा और शाम को एग्जिट पोल भी आने शुरू हो जाएंगे। 5ों राज्यों किसकी सरकार बनेगी इसके बारे में अभी केवल मोटा मोटा अनुमान ही लग पाएगा, लेकिन पेट्रोल डीजल और एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने तय है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर नॉन सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में कई महीने से राहत है। कच्चे तेल के दाम $138 प्रति बैरल पार होने के बावजूद 6 अक्टूबर 2021 से घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि चुनाव बाद यानी 7 मार्च के बाद कभी भी गैस के दाम 100 से 200 रुपये प्रति सिलेंडर से अधिक बढ़ सकते हैं। बता दें कि 1 मार्च को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि की है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में ₹105 का इजाफा हुआ। वहीं 5 किलो के रसोई गैस सिलेंडर छोटू के दाम भी ₹27 बढ़ गए। इस बीच 2008 के बाद पहली बार गैस प्रति गैलन औसतन $4 ऊपर है। माना जा रहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद घरेलू गैस सिलेंडर के साथ पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। बता दें, आज बुक कराने पर भी जब आएगा तो बढ़ा हुआ दाम ही देना होगा, यहाँ तक कि अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिया है तो डिफरेंस देना पड़ेगा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग और उससे उपजे तनाव के वजह से सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है। सुबह के कारोबार में निवेशकों की 5,91,00,000 रुपए से अधिक की संपत्ति स्वाहा हो गई। सोमवार को लगातार ये चौथा दिन था जब शेयरों में गिरावट जारी रही। बीएसई सेंसेक्स 1,735.98 अंक या 3.19% पर गिरकर 52,597.83 पर आ गया है। ये कमजोर वैश्विक इक्विटी और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि को दर्शाता है। इक्विटी में भारी गिरावट के साथ बीएसई की लिस्टेड कंपनियों का बाजार पूंजीकरण सुबह के सौदों में 5,91,094.71 करोड़ रुपए गिरकर 2,40,88,326.67 करोड़ रुपए हो गया है। मारुति सुजुकी इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक में सबसे ज्यादा गिरावट रही। इसमें 6.72% तक की सबसे बड़ी गिरावट रही। जानकारों के अनुसार युद्ध से उत्पन्न असाधारण अनिश्चितता ने कमोडिटी बाजारों को उथल पुथल में बदल दिया है। क्रूड का $128 पर जाना एक बड़ा झटका है। ये वैश्विक विकास को प्रभावित कर सकता है और महंगाई के दबाव को बढ़ा सकता है। आज अंतर्राष्ट्रीय तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 8.84% बढ़कर $128.06 प्रति बैरल हो गया है। एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजारों में अपनी बिकवाली जारी रखी और शुक्रवार को शुद्ध आधार पर 7,631.02 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री की।
रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले 81 पैसे की जोरदार गिरावट के साथ 76.98 पर आ गया। रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण भू राजनीतिक जोखिम बढ़ने के बीच निवेशकों द्वारा डॉलर के रूप में सुरक्षित ठिकाना खोजने से ये गिरावट आई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में राज्य के 9 जिलों की 54 सीटों पर सोमवार 7 मार्च को मतदान हो रहा है। इन जिलों में आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र है। इस चरण में प्रदेश सरकार के 3 मंत्रियों वाराणसी दक्षिण विधानसभा सीट से राज्य के पर्यटन व संस्कृति मंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी, वाराणसी उत्तर से स्टैंप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल, वाराणसी की ही शिवपुर सीट से दिव्यांग कल्याण व पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर की किस्मत का फैसला होना है। इनके अलावा गाजीपुर की जहूराबाद सीट से भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, मऊ सदर से माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, जौनपुर की मल्हनी से जदयू उम्मीदवार धनंजय सिंह, ज्ञानपुर से विधायक जेल में बंद अजय मिश्रा और वाराणसी की पिंडरा सीट से कांग्रेस के चर्चित नेता अजय राय प्रमुख प्रत्याशी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा निष्पक्ष, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए व्यापक इंतजाम एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। कोविड-19 के मद्देनजर मतदान दिवस को पोलिंग बूथों पर थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस मास्क, फेस शील्ड, पीपीई किट, साबुन, पानी आदि की व्यवस्था की गई है। आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप सभी निर्वाचकों को वितरित कराई गई है, जिसके माध्यम से उन्हें अपने वर्तमान मतदेय स्थल एवं क्रम संख्या की जानकारी हो सकेगी। दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर एवं जगह जगह पर वॉलंटियर की व्यवस्था की गई है, जो कि ऐसे मतदाताओं की सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे। चूंकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, इसलिए दुनिया भर का ध्यान इन्हीं दो देशों पर टिका हुआ है और तमाम खबरें कहीं ना कहीं इस युद्ध से प्रभावित होती दिख रही है। अब खबर है कि रूस यूक्रेनी शहरों पर कब्जे के लिए विदेशी लड़ाकों को उतारने की तैयारी कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत करेंगे। वहीं यूक्रेन के कई बड़े शहरों में रूसी बमबारी से बड़ा नुकसान हुआ है। 2 परमाणु ऊर्जा केंद्रों पर भी रूसी ने कब्जा कर लिया है। इसी बीच अमेरिका एक प्लान तैयार कर रहा है, जिसके तहत रूसी सेना का कब्जा होने के बाद भी यूक्रेन की जेलेंस्की सरकार पोलैंड से चलती रहेगी। उधर अमेरिका समेत यूरोप की तरफ से बैंक ऑफ रशिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को फ्रीज कर दिया गया है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस को जितनी जल्द यूक्रेनी शहरों पर नियंत्रण का अंदाजा था, अब तक वैसा नहीं हो सका है। यही कारण है कि अब रूस यूक्रेनी शहरों पर कब्जे के लिए विदेशी लड़ाकों को यूक्रेन में उतारने की तैयारी कर रहा है। एक रिपोर्ट बताती है कि रूस सीरिया से लड़ाकों की भर्ती कर रहा है। मॉस्को इन लड़ाकों की शहरी युद्धमय विशेषज्ञता को देखते हुए क्यू सहित यूक्रेन के महत्वपूर्ण शहरों पर नियंत्रण के लिए इनकी मदद लेने को तैयार है। सीरियाई लड़ाके करीब 1 दशक से शहरी युद्ध लड़ रहे हैं, जबकि रूसी सैनिकों में इस कौशल सेट का अभाव है। रिपोर्ट बताती है कि अब तक यह साफ नहीं है कि कितने लड़ाकों की पहचान की गई है, लेकिन ये लड़ाके संघर्ष में आने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने मामले को लेकर विस्तार से बताने से इनकार कर दिया है। एक सीरियाई पब्लिकेशन के मुताबिक रूस ने 6 महीने तक के यूक्रेन में गार्ड के काम के लिए 15,000 से लेकर 23,000 रुपए देने की पेशकश की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूसी सेना से इतर लड़ाकों को अंतर्राष्ट्रीय सेना के तौर पर बताया है। वाशिंगटन से मध्य पूर्व संस्थान के सीरिया विशेषज्ञ चार्ल्स लिस्टर ने कहा कि सीरियाई लोगों को यूक्रेन में लाना चंद्रमा पर लड़ने के लिए मंगल ग्रह के लोगों को लाने जैसा ही है। वे वहाँ की भाषा नहीं बोलते हैं, उन्हें वहाँ की भूगोल का अंदाजा नहीं है। सीरिया और यूक्रेन का वातावरण बिल्कुल अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत करेंगे। पीएम मोदी ने इन दोनों नेताओं से युद्ध को लेकर पहले भी बात कर चुके हैं। 24 फरवरी को रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने के बाद 26 फरवरी को पीएम मोदी ने पहली बार जेलेंस्की से बात की थी। संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ मतदान में भारत के भाग लेने के बाद जेलेंस्की और मोदी की बातचीत हुई। जेलेंस्की ने इस दौरान भारत के राजनीतिक समर्थन की मांग की थी। मालूम हो कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 12वां दिन है। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया है। इसे लेकर भारतीय नागरिकों के बाहर निकालने के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने की खातिर पहले ही यूक्रेन से संपर्क हो चुका है। विदेश मंत्रालय ने भी युद्ध विराम की अपील की है, जिसे रूस ने चुनिंदा रूप से लागू किया है।
रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का रुख अहम है। भारत ने यूक्रेन के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ प्रस्तावों से परहेज किया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के भारत से राजनीतिक समर्थन की मांग पर पीएम मोदी ने शांति प्रयासों की दिशा में किसी भी तरह का योगदान करने की बात कही। मोदी ने युद्ध पर गहरी पीड़ा जाहिर की और हिंसा की तत्काल समाप्ति के लिए अपील की। इस बीच पिछले एक हफ्ते में ऑपरेशन गंगा के तहत 10,000 से अधिक भारतीय छात्रों को यूक्रेन से निकाला गया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन के कई बड़े शहरों में रूसी बमबारी से बड़ा नुकसान हुआ है। 2 परमाणु ऊर्जा केंद्रों पर भी रूस ने कब्जा कर लिया है। इसके अलावा पोर्ट सिटी मारियोपोल और दक्षिणी यूक्रेन में दोनों देशों ने आम नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सीज फायर का फैसला किया था, जो कि सफल नहीं हो पाया। दोनों ही देश एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं और इस वजह से लोगों को सुरक्षित निकालने में परेशानी हो रही है। जेलेंस्की ने नाटो से अपील की है कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए, लेकिन यूरोपियन यूनियन का कहना है कि अगर ऐसा फैसला किया गया तो विश्व युद्ध छिड़ सकता है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने यूक्रेन की स्थिति पर बातचीत की। क्रेमलिन के अनुसार रूसी राष्ट्रपति पुतिन और इजरायली प्रधानमंत्री बेनेट ने मॉस्को में अपनी बैठक के बाद फोन पर बातचीत की। क्रेमलिन ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने डोनबास की रक्षा के लिए रूस के विशेष सैन्य अभियान के बारे में विचारों का विस्तृत आदान प्रदान जारी रखा, जिसमें नफ्ताली बेनेट के कई राज्यों के नेताओं के साथ हालिया संपर्कों को ध्यान में रखा गया। रूस ने यूक्रेन के बड़े शहरों जैसे कीव, खार्किव, मारियोपोल और सुमी में सीज फायर की घोषणा की है। यूक्रेन में रूसी सेना के जोरदार हमलों के बीच अब अमेरिका ने वोलोदिमिर जेलेंस्की की सरकार को बचाए रखने के लिए प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। अमेरिका एक प्लान तैयार कर रहा है जिसके तहत रूसी सेना के कब्जा होने के बाद भी यूक्रेन की जेलेंस्की सरकार पोलैंड से चलती रहेगी। अमेरिका ने यह प्लान बी ऐसे समय पर तैयार किया है जब रूसी सेना यूक्रेन पर तेजी से बढ़त बना रही है। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि यूक्रेन के सहयोगी देश निर्वासित सरकार के गठन में मदद कर सकते हैं ताकि देश में गुरिल्ला युद्ध को जारी रखा जाए। इससे पहले 4 मार्च को रूस की संसद के स्पीकर ने ऐलान किया था कि जेलेंस्की पोलैंड गए थे, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। स्पीकर ने कहा कि अभी राष्ट्रपति जेलेंस्की क्यू में ही मौजूद है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने यह बताना बंद कर दिया है कि जेलेंस्की कहां पर है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेन की सरकार देश के विभिन्न इलाकों में शासन नहीं कर पा रही है। इस बीच नाटो देश यूक्रेन को संगठन में शामिल करने पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है और क्यू अब गैर नाटो मॉडल पर चर्चा करने के लिए तैयार है। यूक्रेन का साफ कहना है कि अब हम नाटो के आवेदनों के लिए नहीं लड़ेंगे, हम परिणाम के लिए लड़ेंगे। जेलेंस्की ने इसका संकेत काफी पहले ही दे दिया है कि हम प्रक्रिया के झमेले में नहीं पड़ेंगे, मौजूदा स्थिति में हमने सब देख लिया है, लेकिन देश के लिए लड़ते रहेंगे। अमेरिका समेत यूरोप की तरफ से बैंक ऑफ रशिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को फ्रीज कर दिया गया है। यह फैसला ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम पर एक तगड़ा वार माना जा रहा है। दुनिया भर में ट्रेडिंग के लिए डॉलर को एक अहम माध्यम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हर देश की करेंसी अलग अलग होती है, लेकिन दुनिया में ट्रेड करने के लिए किसी एक करेंसी की जरूरत थी जो डॉलर से पूरी होती है। ऐसे में हर देश के पास डॉलर का एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहता है जिसका इस्तेमाल करके वह देश की जरूरत की चीज़ों को आयात करता है। वही इससे सबसे अधिक फायदा होता है अमेरिका को, क्योंकि वह अपने डॉलर से किसी भी देश से अपनी ज़रूरत की कोई भी चीज़ें खरीद सकता है और इसके लिए उसे सिर्फ कुछ अतिरिक्त डॉलर छापने होंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को फ्रीज करना कोई नई बात नहीं है। अफगानिस्तान, क्यूबा, वेनेजुएला और ईरान जैसे देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर पहले भी बैन लगाया जा चुका है। हालांकि रूस का मामला कुछ अलग है। रूस दुनिया के लिए एक गैस स्टेशन की तरह है और उसके फॉरेन एक्सचेंज को सीज करने से दुनिया के तमाम देशों को ये चिंता हो गई है कि कहीं अगला नंबर उसका ना लग जाए। वहीं अगर आप डॉलर से बाहर निकलना चाहें तो यह इतना आसान नहीं। रूस भले ही अपनी निर्भरता डॉलर से घटा रहा है, लेकिन छोटे देशों के लिए ऐसा कर पाना भी मुमकिन नहीं है। वही ग्लोबल ट्रेंड के लिए कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए ही। तो आज इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।